हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एट। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट थर्ड चैप्टर। दो चैप्टर हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके थे, तो हमारा थर्ड चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या चैप्टर के बारे में। एक तो हम यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, हम प्लास्टिक्स, उनके यूजेस और उनसे क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हम उनको यूज़ नहीं कर पाते या उसका कम यूज़ करते हैं या यूज़ को मिनिमाइज़ करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। You have already learnt about natural fibers in the earlier classes. आप लोगों ने पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, सिक्स क्लास में या फिर फिफ्थ क्लास में आप लोग या सेवन्थ में पढ़ चुके हैं कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं। जैसे कि नेचुरल फाइबर्स लाइक सिल्क, वूल हो गया, कॉटन हो गया, ये सब हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कुछ एनिमल सोर्सेस या कुछ प्लांट सोर्सेस से। ठीक है, तो इसका ओवरव्यू दिया हुआ है। सबसे पहले बात की हुई है नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स जैसे कि सिल्क हो गया, वूल हो गया, ये सब हम ऑब्टेन करते हैं किसी भी एनिमल सोर्स से। मतलब हम एनिमल से क्या, कौन से फाइबर ऑब्टेन करेंगे, सिल्क या वूल। सेकेंड, जो सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, कुछ जैसे कि नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सब हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ये हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट से। तो प्लांट से क्या ऑब्टेन करते हैं, कॉटन या फिर जूट। फाइनली जो ये फाइबर्स हम ऑब्टेन करते हैं, इनको स्पन करके, मतलब इनको बुन के एक थ्रेड में कन्वर्ट, यार्न में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद इनको एक प्रॉपरली निट करके, मतलब निट करके निटिंग प्रोसेस के थ्रू इनको क्या करते हैं, एक फैब्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं। जो फैब्रिक किसके काम आता है, एक कपड़ा बनाने के काम आता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, डू यू नो दैट देयर इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ फाइबर्स कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। एक दूसरी कैटेगरी भी है फाइबर्स की जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, जो कि ज़्यादातर एक्सटेंसिवली यूज़ किए जाते हैं किसमें, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक्स, कपड़ा बनाने में ज़्यादातर कौन से फाइबर्स यूज़ किए जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स को हम मैनमेड फाइबर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फाइबर्स होते हैं इनको आर्टिफिशियली ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाता है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं मैनमेड फाइबर्स। ठीक है, अब एक ऊपर की इफेक्ट दिया हुआ है, की इफेक्ट को देखते हैं कि जो वर्ड पॉलीमर है वो डेराइव हुआ है दो ग्रीक वर्ड से, जिसमें लिखा हुआ है पॉली जिसका मतलब होता है मैनी एंड मर का मतलब होता है यूनिट। इसका मतलब जो टर्म पॉलीमर है वो दो चीजों से मिलकर बनी है, पॉली मर, मतलब पॉली का मतलब जहां पे होता है मैनी और मर्स का मतलब होता है यूनिट। तो मतलब बहुत सारे थ्रेड, बहुत सारे यूनिट्स एक जगह क्या होंगी, इकट्ठा होंगी या उनको प्रॉपरली क्या है, मिक्स किया जाएगा, उसके बाद एक फाइबर का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, बिफोर वी डिस्कस डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्म पॉलीमराइजेशन। जब हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात करते हैं तो एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, उसको डिस्कस करेंगे। इन अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, देखो एक कोई माला है, उसमें जितने भी ये जो मोतियाँ लगे हुए हैं, आप अगर फिगर में उसको देखोगे तो बहुत सारे बीड्स हैं जो एक साथ मिलके, ये बीड्स एक साथ मिलके क्या बनाया हुआ है, इन्होंने एक थ्रेड की हेल्प से ज्वाइन होकर एक पूरा प्रॉपर एक स्ट्रिंग बनाया हुआ है। ठीक है, इन अ ब्रिक वॉल्स आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। देखो थ्रेड की हेल्प से या फिर जो ब्रिक्स हैं, जो वॉल में वॉल बनाई है जिन्होंने, वो एक तो एक ब्रिक से तो बनी नहीं है, एक ईंट से तो बनी नहीं है, बहुत सारी ईंटें लगी हैं जिसने क्या किया है, एक वॉल का फॉर्मेशन किया है जो हम फिगर सेकंड में देख सकते हैं। ठीक है,
ये क्या है, किसकी हेल्प से बनी है, ये सीमेंट और सेंट की हेल्प से इसको क्या किया हुआ है, पेस्ट किया गया है। ठीक, तो अगर हम कंसिडर करें इन दोनों फिगर्स को, जैसे बीड ऑफ स्ट्रिंग या फिर ब्रिक ऑफ वॉल, तो ये क्या है, ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट कैसे है, एक छोटी इकाई है जिसकी वजह से एक नई नई चीज़ें इसमें ऐड होके इसने पूरा एक वॉल का फॉर्मेशन किया, या इसने जो बीड्स हैं उन्होंने मिलकर एक पूरी स्ट्रिंग का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, सेम ऐसे ही क्या होता है कि जब हम मोनोमर्स यूनिट को, जैसे हम ऊपर मोनोमर यूनिट्स पढ़ के आए हैं पॉलीमर, तो पॉलीमर कैसे बनता है, एक बहुत सारी मोनोमर छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनता है। मतलब एक लॉन्ग थ्रेड कैसे बनेगा, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट थ्रेड्स को ज्वाइन करने के बाद बनेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। और जो ये प्रोसेस होती है मोनोमर बनाने की, कि मोनोमर से हमने एक पॉलीमर का फॉर्मेशन किया है, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, उसके बाद जो पॉलीमर होता है वो बना होता है बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स के साथ, एक साथ एक जैसा ही थ्रेड भी रिपीट हो सकता है और अलग काइंड का थ्रेड भी रिपीट हो सकता है किसी भी क्लॉथ को बनाने के लिए। ठीक है, तो साइड में फिगर देखते हैं, जो मोनोमर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो लीनियर होते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर के होते हैं, जैसे फर्स्ट वाली फिगर में दिया हुआ है, 3.2 की फर्स्ट फिगर में दिया हुआ है लीनियर मोनोमर। और जो सेकंड होता है वो होता है क्रॉस्ड मोनोमर, की क्रॉस्ड फॉर्म में इसको पूरा अरेंज किया जाता है, और ये क्या फॉर्म करते हैं, एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉलीमर्स कैसे होते हैं। पॉलीमर्स जो हैं हमारे ये नेचर में ही मिलते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ये एक टाइप का प्रोटीन होता है, और वो किससे बनता है, ये अमीनो एसिड्स के डिफरेंट यूनिट्स के लिंकेज की वजह से बनता है। सेम सेल्यूलोज जो कॉटन फाइबर में प्रेजेंट होता है, ये क्या कर मिल कैसे मिलके बनता है, ये भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ही मिलके बनता है। ठीक है, साइड में दिया हुआ है सेमी सिंथेटिक फाइबर्स, सेमी मतलब हाफ, सिंथेटिक मैनमेड फाइबर्स, इसका मतलब इनको या तो नेचुरल मटेरियल से प्रिपेयर किया जाएगा, या फिर केमिकल फॉर्मेशन, या फिर दोनों ही प्रोसेस हो सकती है इसमें। अब हम बात करते हैं कुछ फाइबर्स की, तो हमारा सबसे पहला फाइबर है रेयोन। रेयोन क्या है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। जैसे हमने सिल्क के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। ये कैसे होता है, इट वॉज फर्स्ट ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प को जब केमिकली ट्रीट किया गया, उसके बाद हमें एक सिंथेटिक फाइबर मिला जिसका नाम लिया हमने आर्टिफिशियल सिल्क या फिर रेयोन। ऑल्दो रेयोन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, जबकि हमें पता है कि जो रेयोन है वो एक नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है, फिर भी हम इसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इसको केमिकली प्रिपेयर करते हैं, भले ही हमने इसको वुड पल्प से ऑब्टेन किया है प्लांट की, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक मैनमेड फाइबर है। सबसे पहली बात इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये क्या है, इट इज़ चीपर देन सिल्क, ये काफ़ी सस्ता होता है सिल्क से, एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स। और इसको जब बनाने की फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, तो उस टाइम पे ये सिल्क फाइबर्स की तरह ही बन सकता है। इट कैन बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, और जब इसको इसमें डाई वगैरह करते हैं, मतलब जब इसकी फॉर्मेशन होती है, इसकी क्लॉथ की फॉर्मेशन होती है, जब रेयोन फाइबर से क्लॉथ बना रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे कलर्स को डाई किया जाता है, और डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर्स इसमें ऐड किए जाते हैं। ठीक, इट कैन बी मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेड लाइनन, वेयर एज मिक्स्ड विद वूल इट इज़ यूज टू मेक कारपेट्स। अगर बेड लाइनन्स बनानी है तो इसको कॉटन के साथ भी मिक्स किया जा सकता है, और दूसरा अगर इससे कुछ कारपेट्स वगैरह बनाने हैं तो इसको वूल के साथ भी मिक्स किया जाता है। ठीक, ये जो है कुछ फैब्रिक्स जैसे कि शर्ट्स हो गए, टाइज हो गए, इन सबको भी बनाने में काम आता है। ठीक है, साइड में फिगर दी हुई है, बेडशीट्स की फिगर दी हुई है, कि जो बेडशीट्स है वो किससे बनी है, रेयोन फाइबर से मिलके बनी होती है। सेकेंड पैराग्राफ है हमारा, रेयोन फाइबर्स आर वाइडली यूज सेमी सिंथेटिक फाइबर्स डेराइव फ्रॉम सेल्यूलोज एंड आर अवेलेबल इन डिफरेंट वेराइटीज, विस्कोस, क्यूप्रो एंड एसीटेट रेयोन। इसका मतलब ये क्या है, सेमी सिंथेटिक फाइबर्स है, मतलब कुछ प्लांट से ऑब्टेन किया गया है लेकिन उसमें केमिकल ट्रीटमेंट किया गया है, तो इसको बोल इसकी कुछ तीन डिफरेंट वेराइटीज हो गई, जैसे कि विस्कस, क्यूप्रो एंड एसीटेट।
ठीक। उसके बाद जो रेयन है वो शाइनी होता है, शाइनी मतलब चमकीला लस्टरस होता है, और ये क्या करता है, कुछ अमाउंट में जो मॉइस्चर होता है बॉडी का उसको भी अब्जॉर्ब करता है, जैसे कॉटन अब्जॉर्ब करता है। ठीक, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर्स, तो जो कॉटन जो रेयन से बनते हैं वो भी क्या करते हैं, वो स्वीट जो हमारा स्वेट होता है उसको अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स को या फिर इन चीज़ों को भी प्रेफर करते हैं क्लॉथिंग के लिए। होमवर्क रहेगा आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म पॉलीमर, सेकंड क्वेश्चन है मैनमेड फाइबर्स क्या होते हैं, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, फोर्थ क्वेश्चन आर डैश इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स, रिपीटिंग यूनिट्स से क्या मिलकर बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंड डैश आर लिंकेज ऑफ मोनोमर्स, फिफ्थ क्वेश्चन होगा आपको रेयन के बारे में लिखना है कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स।